हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ और कांगू क्षेत्र में अवैध विशेष समुदाय के प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या और इन लोगों की ओर से क्षेत्र में आए दिन किए जा रहे अवैध गैर कानूनी कार्यों पर हिंदू संगठनों ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में गलोड़ क्षेत्र की लगभग 15 पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली को देवभूमि संघर्ष समिति गलोड़ ने निकाला। वहीं लड़ा से गलोड़ तहसील तक जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे की गूंज भी सुनाई थी। वहीं संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव को तहसीलदार गलोड़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य विजय शास्त्री ने प्रशासन से मांग की है कि गलोड़ और कांगू क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिदों की जाँच भी करवाई जाए। मैं प्रशासन के ध्यान में भी ये बात लाना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कुछ दूसरे धर्मावलंबी, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आतंकवादियों के रूप में दूसरे धर्मावलंबी घर घर फेरी वालों के रूप में घूम रहे हैं। हमारे इलाका के जो गांववासी लोग हैं, हम गांव में जाते रहते हैं तो हमसे बात करते हैं, कुछ लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कुछ लोग बहुत रोष व्यक्त कर रहे थे बहुत दिनों से। तो उस रोष को हम व्यक्त करने के लिए हमारे अंदर क्या रोष है, हम लोग क्यों डरे हैं, वो मैं दो तीन बातें आपके समक्ष रखता हूं। एक तो हमने शिमला संजौली में देखा कि अवैध मस्जिदें बन गई, चार चार मंजिलें बन गई। एक सामान्य जो नागरिक है वो दो ढाई मंजिल बना, चार चार मंजिलें बन जाती हैं अवैध, और उसके विरुद्ध जब हिंदू जागता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बड़े दुख की बात है ये, हम सबके लिए बहुत दुख की बात है ये। वहीं इस मामले पर गलोड़ तहसीलदार केशव कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। गलोड़ वासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है हमारे दफ्तर में कि कुछ अलग रिलीजन के प्रवासी जो हैं यहां पर ज्यादा होते जा रहे हैं। इनका कहना है कि यहां पर ज्यादा होते जा रहे हैं, उनकी पहचान की जाए और कुछ अवैध निर्माण किया गया है कुछ प्रवासियों द्वारा, तो उसकी भी जांच की जाए। तो हम अपने जो फील्ड स्टाफ है उससे उसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद जो भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उन पे एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस रैली में सबसे खास बात ये रही कि लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर दोनों दलों के लोगों ने हिस्सा लिया। सूर्य समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।